नमस्कार, मैं रेखा जैन, चैन समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भ्रष्टाचार को लेकर नगर परिषद ने बुलाए आपातकालीन बैठक। नगर परिषद एवं प्रशासन की लापरवाही से मुस्लिम समाज में रोष। भिनमाल में तीसरी बार जीते चौधरी, जनता का जताया आभार। कुएं में गिरने से हुई युवक की मौत। जगह जगह पर हुआ देवल का स्वागत, कहा विकास कार्यों को दूंगा गति। प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर ग्राम प्रभारी मनोनीत। और चेन्नई में श्री सुंदरा माता जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल। अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार को लेकर नगर परिषद ने बुलाए आपातकालीन बैठक। उर्जी शिलावट के साथ कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित नगर परिषद में आचार संहिता लगने के बाद ही से ही नगर परिषद जालौर में वर्तमान नगर परिषद पार्षद हसमुख नागर को ताबड़तोब मामा जी का मंदिर आरटीओ ऑफिस के सामने भूमि का पट्टा बनाने के विरोध में नगर परिषद बोर्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही एवं नगर परिषद की विभिन्न शाखाओं को सीज कर कार्यवाही करने को लेकर सभापति भवरलाल मालिक के कक्ष में बुलाए सभी पार्षदों की आपातकालीन बैठक में नगर परिषद आयुक्त के विरोध में आचार संहिता उल्लंघन करने की बात सामने आई। इस दौरान नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष मिश्रीमल गहलोत, पार्षद अंबालाल, पार्षद जितेंद्र कुमार प्रजापत, फूलाराम प्रजापत, हेमलता जिनगर, प्रियंका भाद्रू, मंजू भूतड़ा, नगर परिषद उपसभापति मंजू सोलंकी, चंदन सिंह, प्रेमाराम मेघवाल सहित अन्य पार्षदगण उपस्थित थे। इसी दौरान नगर परिषद सभापति भवरलाल माली ने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए, मैं उस पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने के लिए तैयार हूं, अन्यथा कार्यवाही नहीं होगी। इस दौरान नगर परिषद उपसभापति मंजू सोलंकी ने कहा कि तब तो आप भी इसमें शामिल हो। वही नेता प्रतिपक्ष मिश्रीमल गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में बोर्ड बना उस दिन से ही भ्रष्टाचार होता आया है, आज ही नगर परिषद को भ्रष्टाचार क्यों याद आया? का बोर्ड बना था तब से भ्रष्टाचार चालू है और इन लोगों का भी भ्रष्टाचार में हाथ है। जब इन लोगों के काम नहीं होते, जब ये एकजुट हो जाते हैं और अधिकारी के विरुद्ध होने लग जाते हैं, जब अधिकारी दबाव में आ जाता है और इनके मन मुताबिक काम करने लग जाता है, जब अधिकारी सही हो जाता है और इनका विरोध बंद हो जाता है। आम जनता और संबंधित पार्षदों की शिकायतें थी कि अधिकारी समय पर ऑफिस आता नहीं है, छुट्टियों पर रहता है और जनता परेशान है, जनता के काम नहीं हो रहे। तो आज हमने उपस्थित रजिस्टर लेकर संबंधित विभागों का निरीक्षण किया, जिसमें आयुक्त अनुपस्थित पाया गया और जो कर्मचारी मौके उपस्थित नहीं थे उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर तथा सभी पार्षदों ने अभी वर्तमान में आयुक्त द्वारा हो रहे भ्रष्टाचारों की निंदा खिलाफत की थी। तो उस संबंधित हम उस अधिकारियों को अवगत करवा कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करवाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंकुश लग सकता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ अंकुश लगेगा यदि जनता जागरूक होगी और आम हर जनप्रतिनिधि अपने मन में दृढ़ संकल्प लेगा कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो अवश्य होगा। कहीं ना कहीं मिली भगत का आरोप नहीं लगता है अधिकारी का और बोर्ड का? संबंधित प्रकरणों में जांच होगी तो जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व होगा वो जांच का विषय सामने आएगा। नगर परिषद एवं प्रशासन की लापरवाही से मुस्लिम समाज में रोष। उजड़ सिलावट के साथ कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यालय पर पिछले काफी वर्षों से शहर के गंदे पानी की निकासी सुचारू नहीं होने से शहर पर स्थित शांतिपुरा रोड, सुंदेलाब तालाब के सामने कब्रिस्तान में शहर का गंदा पानी इस तरह जाता है जैसे आगे का रास्ता नहीं हो। इसको लेकर मुस्लिम समाज द्वारा प्रशासन एवं नगर परिषद को बार बार अवगत करवाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में भारी रोष देखा गया। मौके पर पहुंचे मुस्लिम समाज बंधुओं के साथ नगर परिषद अधिकारी एवं वार्ड पार्षद हसमुख नागर द्वारा आश्वस्त कर जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। इस दौरान लियाकत भाई अंसारी, अमजद खान, अयुब खान, इकबाल खान, अब्दुल रहमान, सरवर रंगरेज सहित काफी संख्या में मुस्लिम समाज के समाज बंधु लोग उपस्थित थे।
भिनमाल में तीसरी बार जीते चौधरी, जनता का जताया आभार। भिनमाल से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार भिनमाल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पुराराम चौधरी के तीसरी बार जीत के बाद उनको नगरवासियों की ओर से फूलमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने फटाके फोड़कर खुशी जाहिर की। इस दौरान युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौधरी ने बताया कि ये मेरी जीत नहीं है, जनता की जीत है। जनता के स्नेह से मुझे तीसरी बार जीत का तोहफा दिया है। उन्होंने जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। चन्नी में श्री दुर्गा माता जी के नाम नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दिनांक 13 तारीख गुरुवार को होने जा रही है, जिसमें अखंड ज्योत एवं मुख्य कलश इंडा के लाभार्थी राजपुरोहित पूर्व सरपंच श्री माधुलाल जी दीपाजी उद्देश, श्रीमान खिमजी दीपाजी उद्देश, बाबूलाल जी, बबललाल जी, मांगीलाल जी, गोपाल सिंह जी, रमेश कुमार जी, गौतम जी, अरविंद जी, विक्रम जी, जालम सिंह जी, कृष्ण कुमार जी, विनोद जी, संजय, विकास, विशाल, नीलेश, जिगर, ध्रुव, स्वरूप, गणपत, बेटा, पोता, माधुलाल जी, खिमजी, स्वगुमान जी, सुपुत्र दीपाजी उद्देश परिवार, मरुधर, बासराधन जी, जिला जालौर, प्रतिष्ठान महादेव प्लास्टिक, चामुंडा प्लास्टिक, सुंदर गिफ्ट हाउस, बालाजी पैक, बालाजी इम्पैक्ट, बालाजी इंडस्ट्रीज, बालाजी प्रोडक्ट्स, चेन्नई। देव शिव शक्ति मिष्ठान भंडार, ताजी शुद्ध एवं स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। हमारे यहाँ शादी एवं मीटिंगों के लिए भी ऑर्डर बुक किए जाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ वाड़ीलाल आइसक्रीम भी मिलती है। प्रोपाइटर गेनाराम प्रजात पर। देव शिव शक्ति मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड सियावट चौराया, जिला जालौर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001165995। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। अपने कुएं पर पानी की मोटर बाहर निकालकर कुएं की कांटी पर बैठकर मोटर को ठीक कर रहा था। उसी वक्त चक्कर आने से कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
एएसआई सत्य कुमार मैं जब्ता मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। जगह जगह पर हुआ देवल का स्वागत, कहा विकास कार्यों को दूंगा गति। मदन महेश्वरी की रिपोर्ट के अनुसार 15वीं विधानसभा के लिए रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह देवल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी को 3,405 मतों से पराजित कर नारायण सिंह देवल लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद पहली बार गुरुवार को ग्रह विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। देवल ने उनकी जीत का सारा श्रेय भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं 36 कुंभ की जनता को दिया। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। देवल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अत्यधिक प्रसन्नता में संयम बनाए रखें। उन्होंने अपनी विजय पर क्षेत्र के लोगों द्वारा किए गए कार्यों को स्वागत करने को लेकर सभी का आभार जताया। देवल ने कहा कि वे बिना किसी बिचौले के आमजन से सीधा संपर्क रखेंगे तथा उनकी समस्याओं को हाथों हाथ निपटाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को निपटाने एवं विकास के कार्यों की गति में महती भूमिका अदा करेंगे। देवल ने कहा कि जल्द ही नर्मदा की नीर आम जन तक पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। नारायण सिंह देवल रानीवाड़ा के दोबारा विधायक निर्वाचित होने पर लोगों में देवल का स्वागत करने की होड़ मची हुई थी। ज्यादातर लोगों के हाथों में मालाएं एवं साफा नजर आ रहे थे। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हीरालाल सारस्वत, भाजपा जिला महामंत्री मुकेश खंडेलवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष उप सिंह परमार, वरिष्ठ नेता भूप सिंह डाबी, महामंत्री हेमाराम विश्नोई, रानीवाड़ा सरपंच रिद्मल सिंह डाबी, पूर्व सरपंच लखमाराम चौधरी, केराराम चौधरी, भाजपा मंडल प्रवक्ता नरेश जोशी, रमेश चौधरी गर्ग, राजू वैष्णव ने साफा एवं माल्यार्पण कर स्वागत एवं उनका अभिनंदन किया। प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर ग्राम प्रभारी मनोनीत आहोर से सुरेश गर्ग रोडला की जानकारी के अनुसार आगामी 26 दिसंबर बुधवार को रोडला में आयोजित डॉक्टर अंबेडकर सप्तम सिलावटी प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत आवेदन प्राप्ति एवं जमा स्थल ग्राम केंद्र एवं ग्राम प्रभारियों की नियुक्ति की है। परीक्षा समन्वयक व्याख्याता छोगाराम माधव रोडला ने बताया कि परीक्षा को लेकर हर गांव में प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रतियोगी छात्र छात्राएं उपरोक्त केंद्रों से आवेदन प्राप्त कर दिनांक 22 दिसंबर तक अंतिम रूप से जमा करवा सकते हैं। चेन्नई में श्री सुंदर माताजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल। चेन्नई से बक्सिंग बागरा की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में सुंदर माता के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंगलवार को शोभा यात्रा के साथ महोत्सव का आगाज हुआ। नवनिर्मित सुंदर माताजी सहित 13 देवी देवताओं के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कल 13 दिसंबर को होगा। वहीं महोत्सव को लेकर मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सुंदर माता के नवनिर्मित मंदिर से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाएं एवं बालिकाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। वहीं रातों में विराजित संत महात्मा श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। रात्रि को भक्ति जागरण का आयोजन भी हुआ, जिसमें राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट महेंद्र सिंह राठौर एंड पार्टी पाली, रामेश्वर माली एंड पार्टी सेवाड़ी द्वारा मधुरमय भजनों की प्रस्तुति दी गई एवं मनोजरिया एंड पार्टी दिल्ली द्वारा देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। इसी कड़ी में आज रात्रि में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन कलाकार सरिता खारवाल एंड पार्टी पचवद्रा द्वारा भजनों की मधुरमय प्रस्तुति दी जाएगी। प्रतिष्ठा के बाद महाप्रसादी फले चुनरी का आयोजन एवं संतों द्वारा प्रवचन कार्यक्रम व चढ़ावे के लाभार्थी परिवारी एवं मुख्य अतिथियों का साफे स्मृति चिन्ह तथा माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर जिसमें अखंड ज्योत पर मुख्य कलश ईड़ा के लाभार्थी राजपुरोहित पूर्व सरपंच माधुलाल दीपाजी उदेश, खीमजी दीपाजी उदेश, बाबूलाल, भावरलाल, मांगीलाल, गोपाल सिंह, रमेश कुमार, गौतम, अरविंद, विक्रम, जालम सिंह, कृष्ण कुमार, विनोद, संजय, विकास, विशाल, नीलेश, जिगर, ध्रुव, स्वरूप, गणपत एवं दीपाजी उदेश परिवार बासरा धनजी जिला जालौर सहित श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालौर शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।